सेक्शन में। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद जब बनी इसराइल के एतकादी व अमली हालत उनकी ख़राब हो गई और वो अल्लाह ताला के वादे को, अहद इलाही को फरामोश करके फिर बुत परस्ती में लग गए, सरकशी, बुरे अफाल इंतहा को पहुँच गए, तो उन पर जालूत को और उसकी कौम अमालका को मुसल्लत कर दिया गया। जालूत बड़ा जाबिर बादशाह था नाज़रीन, और उसकी कौम के लोग मिस्र और फलस्तीन के दरमियान बहरे रोम के साहिल पर रहते थे। उन्होंने बनी इसराइल के शहर छीन लिए, इनके लोग गिरफ्तार कर लिए और उन पर तरह तरह की सख्तियां रही। याद रहे कि ये सुन्नत इलाहिया है कि जब कौम की तकादी और अमली हालत ख़राब हो जाती है तो इन पर जालिम और जाबिर हुक्मरानों को मुसल्लत कर दिया जाता है। ये वाकयात अगर हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो इसे सबक भी तो लेना। हम बाज़ोकात अपने हुक्मरानों या अपने हालात को रो रहे होते हैं कि यार हमारे यहाँ निज़ाम ही ठीक नहीं होता, तो हम पहले अपने आमाल भी देखें कहीं हमारे आमाल की सज़ा तो नहीं है। हमें अपने आमाल भी दुरुस्त करने हैं, अल्लाह से तौबा करनी है। हम अगर अच्छे होंगे तो इंशाल्लाह मुल्क के और हमारे कौमों के हालात भी अच्छे हो जाएंगे।